नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन है, मैं हूँ आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। दोस्तों बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू जो है वो पैर पसारता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की है और डेंगू वार्ड को लेकर ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में अलग से वार्ड बनाया जाए और ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो। और वहीं समय समय पर अगर बात किया जाए फॉगिंग की, तो फॉगिंग समय समय पर कराया जा रहा है, फिर भी लेकिन डेंगू के लगातार मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि डेंगू के मामले कैसे कम किए जाएं। और इन तमाम पहलुओं को देखने के बाद अब ये सवाल ये उठने लगा है कि क्या कमी कहीं रह रही है। लेकिन सबसे पहले आपको डेंगू से बचना सबसे इम्पॉर्टेंट है। साफ बात यह है कि डेंगू के जो मच्छर होते हैं वो साफ पानी में उत्पन्न होते हैं, तो अपने आसपास ये कोशिश करें कि साफ पानी में अगर जहां मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं तो उनको आप साफ करके रखें, पानी को गिरा दें या पानी जमा ना होने दें। अगर आप जमा होने देते हैं कहीं ना कहीं ये, और डेंगू के मच्छर काटने के बाद क्या होता है, अगर आप डेंगू के पीड़ित हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, आपका प्लेटलेट्स जो है वो तेज़ी से नीचे चला जाता है। और प्लेटलेट्स अगर कम हो गया तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, इसलिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है लोगों को। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो कई सारी और खामियाँ लोगों के अंदर आ जाती है। इसके अलावा अगर दोस्तों बात किया जाए तो कई सारे लोग जो है वो परेशान चल रहे हैं और प्रदेश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक की अगर बात किया जाए, उन्होंने भी कई अस्पतालों का दौरा किया, उन्होंने कहा है कि लोग पहले से तैयार रहे, अब आपको भी सचेत रहना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों की बात करें तो जौनपुर की बात कर लिया जाए तो जौनपुर में भी लगातार कई सारे मामले सामने आए। इसके बाद राजधानी लखनऊ में मामले सामने आए, इसके अलावा और कई जगह जो है वो मामले सामने आ रहे हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि कैसे डेंगू के मच्छरों से लोगों को बचाया जाए। कुछ जगह पर फॉगिंग तो हो रही है लेकिन उसका सही माकूल इस्तेमाल नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, इसलिए डेंगू से बचना बहुत ज़रूरी है।